Assalamualaikum student, how are you? Hope you are good. Today we are going to start an exercise, 8.3. Let's start from question number 1. देखिए question number 1 में क्या है? Calculate the area of a square whose side is 8 cm. इससे पहले जो exercise थी उसमें हम perimeter को देखे थे. ये देखे थे किस तरीके से हम perimeter को find out करते हैं और अलग-अलग figure के perimeter का formula क्या होता है. अब इस exercise में हम एरिया के बारे में पढ़ेंगे और ये देखेंगे डिफरेंट फिगर्स के एरिया के फॉर्मूले क्या होते हैं. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो दिया जा रहा है स्क्वायर के बारे में. हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर. इसमें जो आपका पहले एरिया ऑफ स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए लिखा हुआ है साइड जो है वो है 8 सेंटीमीटर. हम जानते हैं स्क्वायर है, स्क्वायर चार साइड होती है, इसकी साइड जो है 8 सेंटीमीटर. तो आइए एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है. तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड. ये फार्मूला होता है तो एरिया ऑफ स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है. फार्मूले पर वैल्यू को पुट करते हैं तो साइड क्या है आपकी 8 है मल्टीप्लाई साइड आपकी 8 होगी. 8 एंटर आपका होगा 64. एरिया ऑफ स्क्वायर आपका क्या जाएगा 64. देखिए जो एरिया होती है वो हमेशा स्क्वायर में होती है. यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे और यहाँ पर लगा देंगे स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसे स्क्वायर के शॉर्ट फॉर्म में एस क्यू लिखा जाता है और यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर 64 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये हो गया ए. सेम इसी प्रोसेस से इसके क्वेश्चन नंबर बी को करेंगे और सी में आपका 3.3 है. सेम यही प्रोसेस होगा. आप सी अगर कर रहे हैं तो साइड आपकी हो जाएगी 3.3. तो साइड 3.3 हम 3.3 कर देंगे. फर्क ये है जो होल नंबर था लेकिन ये आपका इसमें डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई आप करना चाहते हैं तो 3.3 3.3 कर. नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर डी और ई. डी में देखते हैं. डी में अगर साइड की बात की जाए तो साइड आपका क्या है. इस पूरी वैल्यू को आपको मीटर में कन्वर्ट कर लेना है तो ये हो जाएगा 1 मीटर. और 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं. 100 से डिवाइड करते हैं तो 100 से डिवाइड होगी इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1 सेंटीमीटर. सॉरी मीटर हो गया और ये टू ग्राफ आ जाएगा 1.10 मीटर. इसे आप कर चुके हैं या करेंट आ जाएगी 1.10 मीटर. सिंपली आप इसे ऐड कर सकते हैं आप 1.10 मीटर. हमेशा जो सेंटीमीटर की वैल्यू होती है उसे अब पॉइंट लगाने के बाद मीटर में लिखते हैं तो ये आपका आ जाएगा 1.10. तो अब 1.5 आप क्या लिखेंगे 1.10 × 1.10 और मल्टीप्लाई कर देंगे जो आंसर होगा वो आप जो वैल्यू जो प्रोडक्ट आया वही आपका आंसर हो जाएगा. इसमें हम लोग देखते हैं फिफ्थ को ई. ये है साइड आपकी 4 1/3. इसे सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जाते हैं 3 × 4 से 3 × 4 = 12 और +1 = 13/3 मीटर. ये आपकी साइड आएगी. तो
ये साइड आ चुकी है जिसे हम लोग वैल्यू करते हैं साइड थर्टीन अपॉन थ्री मल्टीप्लाई साइड थर्टीन अपॉन थ्री। ये क्या हो जाएगा थर्टीन इंटू थर्टीन, ये आपका होता है 169 या 13 मल्टीप्लाई 13 भी आप कर सकते हैं और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, तो क्या हो जाएगा 13 इंटू 13 169 और 3 मल्टीप्लाई 39 ये आपका आएगा स्क्वायर मीटर 169 अपॉन 9 स्क्वायर मीटर, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। क्वेश्चन नंबर टू है कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब इसमें देखिए रेक्टेंगल की बात कर रहा है, इसमें हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं, ब्रेथ को बी से डिनोट करते हैं। इसमें देखिए अगर ए की बात करें तो ए में वैल्यू दिया हुआ है लेंथ की 9 सेंटीमीटर और बी दिया हुआ है आपका 6 सेंटीमीटर। ये एक वैल्यू है करते हैं लेंथ हमारा ए कितना है, ये हम ए क्वेश्चन को कर रहे हैं तो ए में लेंथ कितनी है 9 बी कितनी 6 है तो 9 6 का कितना होता है आपका 54 हो जाएगा और ये हमेशा स्क्वायर में आता है स्क्वायर वैल्यू क्या है सेंटीमीटर की तो आगे हम लगा देंगे सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। लास्ट इसका आंसर भी आप देख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये चुका बातें हैं पर क्वेश्चन नंबर सी पर। क्वेश्चन नंबर सी आता है, इसमें लेंथ दी हुई है 5 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो बताइए क्या हो जाएगा। लेंथ हम बताएं जो सेंटीमीटर होता है वो पॉइंट के साथ आपका जुड़ जाता है, ये हो जाएगा 5 पॉइंट के बाद सेंटीमीटर 5.50 मीटर हो जाएगा ये, ठीक है। जब भी सेंटीमीटर को मीटर के साथ ऐड करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो मीटर होगा 5 मीटर जैसे इसके बाद सेंटीमीटर को ऐड करने के लिए पॉइंट लगाकर ऐड कर देंगे, ये मीटर में चेंज हो जाएगा। अब ब्रेथ आपकी क्या है 2 मीटर, ये मीटर में है ये 2 मीटर हो जाएगा। अब वैल्यू को रखेंगे लेंथ आपकी क्या है 5.50 और ब्रेथ क्या है 2 है, इसे सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी। डी में आपका लेंथ दिया हुआ है 1/2 मीटर, ये आपका हो जाएगा जब मिक्स मिक्सिंग प्रॉपर करें 2 अंदर 2 प्लस 3/2 मीटर और ब्रेथ आपकी है 4/1/2 मीटर, तो जाएगा 2 4 8+1 9/2 मीटर, ठीक है। तो ये लेंथ हो चुकी है, ये आपकी ब्रेथ हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसे फॉर्मूले में रखकर मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ कितनी आ जाएगी आपकी 3/2 हो जाएगी और ब्रेथ आपकी हो जाएगी 9/2।
nines are 7, 3 nines are 27 or 2 to the 4, yeah, that is square meter. 27 upon 4 square meter. तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 तक आप इसे सॉल्व कर लेंगे. अब इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में. तो क्लास 1 पेपर खत्म कर रहे हैं. You can start.